Nalikett. Nal means four sides and kett means building. Four sides building and a courtyard. This is the courtyard. Yes. Usually the head of the family would sit here. Any rest of the members would sit around. Any religious or any weddings and stuff would happen. So if you watch carefully, there is a 2 feet dip here. And so, but it gives you an optical illusion that this is flat. But this is not flat. There's a dip here. So just rule of thumb, do not step on this black line. You can walk down the steps. You can walk down the steps, but otherwise, side step, don't step on this black line. सुंदर सुंदर सा है और व्यू तो आप देख ही रहे हैं. हमारा रूम छोटा सा है, क्यूट सा है और व्यू तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर सा. आगे बैकवाटर है और हमारा कार वहाँ पे पार्क किया गया है एकदम वहाँ पे है ना, जो दिख रहा है वो हमारा कार पार्क किया हुआ है. तो ये एक अलग सा एक्सपीरियंस है ऐसे बोल सकते हैं. जनरली लोग एलएपी आते हैं, बोट हाउस में रुकते हैं, बट हम लोग सोचे कुछ और न्यू सा चीज़ हम करें. तो ये आप लोग बताइए, देखिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है. हमारे साथ आप लोग भी एंजॉय करिए. ये देखिए हाउस बोट जा रहा है. जो जो चीज़ हम मूवी वगैरह और केरला का ब्लॉग्स में देखते थे, आज अपने आंखों के सामने देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे आके. यहाँ का व्यू तो मतलब ऐसे नहीं बोला जाता है केरला को गॉड्स ओन कंट्री. हर तरफ ग्रीनरी, बैक वाटर और हम जहाँ पे रह रहे हैं घर जैसा फील हो रहा है. लग ही नहीं रहा है कि हम आए हैं कहीं घूमने के लिए. वो जो होस्ट है हमारे इतना फ्रेंडली है. और अभी हम निकल रहे हैं ऐसे, ये एक गांव है जैसे हमारा होस्ट ने बोले कि एक विलेज है और सोचे कि थोड़ा सा घूम लेते हैं. ऐसा कुछ है यहाँ का विलेज लाइफ. बहुत सारा घर है यहाँ पे, पेड़ भी हैं. गर्मी बहुत होती है क्योंकि सी लेवल सी के पास ही है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. बट हम अक्टूबर में आए हैं तो उतना गर्मी तो नहीं हो रही है, चलेगा. बट स्टिल अपने साथ 3 चीज़ें लाना कभी मत भूलिए. एक तो हुआ अम्ब्रेला, दूसरा सनस्क्रीन और सनग्लास.
पे देखिए कैसे बोर से जा रहे हैं लोग। कितना सही है ना, जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो अपना कोई व्हीकल लेके जाते हैं, वैसे वो लोग बोट लेके जाते हैं। काफी सही है। ये है केरला राइस और ये है फिश करी। सारा दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है, होम मेड है, आप जल्दी जल्दी खा लेते हैं। भूख जोर से लगी हुई है। फिर अभी हम शिकारा के लिए निकल रहे हैं, तो जैसे हम लोग कार वगैरह पार्किंग करते हैं ना, तो देख सकते हैं आप बोट यहाँ पे पार्क हुआ है, तो हम बोट लेके इस तरफ से उस तरफ जाएंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और ये हमारा कार इधर पार्क है। ऐसे यहाँ पे शिकारा राइड का सारा बोट्स को पार्क किया गया है और हम लोग अभी जा रहे हैं जहाँ से हम लोग ने बुक किया था। ये जो है ना अलेपी शिकारा बोट्स, यहीं से हमने बुक किया था, ऑनलाइन से ही बुकिंग कर लिया था। तो देखते हैं, मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये पर्सन है, हमको अभी इसी बोट के अंदर जानी है। और ये लोग हमको सनसेट का जो व्यू है ये भी दिखाएंगे, बट हमने थोड़ा लेट कर चुके हैं, 4 बज चुका है, तो निकलते हैं अभी यहाँ से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है उसको देखने से, बहुत सही लग रहा है। और अभी जो है हमारा बोट जो है एक जगह में अभी पार्क कर लिया है यहाँ पे, तो साइड में ना छोटा सा शॉप है, तो उसमें हम टी कॉफी कुछ ले सकते हैं। बहुत
कोई कोई हाउस बोट बुक करते हैं उसको भी ले सकते हैं। हमारा बोट जो है यहीं पे पार्क किए हैं तो हम लोग आए हैं थोड़ा कॉफ़ी और टी पीने, और यहाँ पे ना ईगल भी है तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। बात करो कुछ उससे थोड़ा छोड़ता दी और ना देख रहा है मेरे को थोड़ा चेक होने की उधर से सामने वाला दिल्ली भी हम सनसेट देखने जा रहे हैं। Sunset was amazing. You should have this type of experience once in your life. कुछ लोकल स्नैक्स हमको मिला है फिश फ्राई के साथ इडली और ऐसा तो कुछ दिख रहा है बट एग्जैक्टली नहीं पता है, बट इसको टेस्ट करते हैं देखते हैं कैसा लग रहा है। दिस इज लाइक आलू सारू बोलते हैं इसको उड़िया में। हाँ इसको अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा है फिश फ्राई तो बहुत ही यम्मी दिख रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत एंजॉय किया बोट राइड कल से, बहुत सारा मेमोरी लेके जा रहे हैं हम अपने साथ।